ये संसार दुखों का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुखों का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, वहाँ के लोगों पे, सोचते हैं काश वो यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तन करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ के गए। तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म था। वो अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूट नीति से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य ना जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा, वह कल कभी नहीं आता। बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वो है, वो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर बैठिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता तो ये प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके आने के तीन मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दे। तो खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करे। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाए।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंक कर कई तरंगे पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते। हर कोई जानता है कि हम क्या हैं, पर ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते। अगर आपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख पाता है और संभल कर चलता है। मनुष्य की गलत फहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में ये सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा ये सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ उसके संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करे। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों का और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी कसमों का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको सहवासी मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है, जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं।